हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको समस्या क्या है, क्यों मुझे पीरियड्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रही हूँ कि आखिर मेरे पीरियड में इतना दर्द क्यों होता है। जो सबसे कॉमन कारण है, जो 10 में से एक महिला को पाया जाता है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चेदानी में जितना भी ब्लीडिंग होता है वो यूट्रस के बाहर आकर फेलोपियन ट्यूब से बच्चेदानी के आसपास के हिस्से में जमा हो जाता है, जैसे कि ओवरीज है, इंटेस्टाइन है, बच्चेदानी के पीछे का हिस्सा है, और इन सब चीज़ें आपस में जकड़ जाती हैं, जाम हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसको एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो कॉमन कारण होता है वो फाइब्रॉइड्स का होता है, यानी बच्चेदानी के बीच में जो गांठें बन जाती हैं, बच्चेदानी की गांठ जिसे बोलते हैं, वो फाइब्रॉइड होता है। फाइब्रॉइड के कारण कई बार हमें पीरियड्स के दौरान पेन होता है। तीसरा कॉमन कारण होता है कि हमारी ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती है, यानी कि पानी की गांठ बन जाती है या ब्लड की गांठ बन जाती है, वो भी ब्लीडिंग और पेन का काफ़ी बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा यदि बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन है, यानी कि बच्चेदानी के आसपास के एरिया में सूजन आ गई है और उसमें मवाद बन गई है, तो भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और इसके अलावा यदि बच्चेदानी में कोई कैंसर है तो भी पीरियड्स में पेन हो सकता है और तकलीफ आ सकती है। तो यानी कि बच्चेदानी और बच्चेदानी के आसपास के एरिया में यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे पहला लक्षण होता है पेड़ों में दर्द होना, और ये दर्द धीरे धीरे पीरियड्स के दौरान बढ़ता जाता है। और जो सबसे कॉमन कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस, और दूसरा कॉमन कारण है फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की गांठ, और तीसरा कारण है ओवेरियन सिस्ट यानी अंडेदानी की गांठ, और चौथा एक कारण है बच्चेदानी का इन्फेक्शन। यदि आपको पीरियड्स के दौरान लगातार पेन बना रहता है, पीरियड्स के बाद ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए, अपनी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी बच्चेदानी के रास्ते से जो सोनोग्राफी होती है वो करवा कर ये सारी बीमारियां सॉर्ट आउट करवा लेनी चाहिए कि कहीं आपको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या कोई गांठ या सिस्ट या एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। और यदि ये सब नहीं है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी किसी किसी लेडी को पेन होता है, तो उसके लिए फिर हमें 21 दिन वाली जो गोलियां होती है वो देनी पड़ती है, जिसे 3 से 6 महीने का कोर्स लेने के बाद ही पीरियड का पेन काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। तो पीरियड के पेन का अंत करें तुरंत। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।